हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियाज़ रसोई एट जियाज़ा टेस्टी। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ पीनट बटर सैंडविच। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जो है पीनट बटर लिया है। ये आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे जो है इजीली मिल जाता है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिया है और साथ में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 ब्रेड पीस। आप चाहें तो ब्राउन या वाइट ब्रेड, या ऑप्शनल है, आप दोनों में से कोई भी ब्रेड ले सकते हैं जो आप खाते हो। और साथ ही अब हम यहाँ पर लेंगे बटर। बटर ये हमने पूरा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ब्रेड को जो हम सेकेंगे उसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा बटर चाहिए। तो ये सिर्फ इतनी सी ही चीज़ों से है जो बहुत ही टेस्टी यमी सा जो सैंडविच आज हम बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैंडविच बनाना। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ पहले 2 ब्रेड। तो यहाँ और चम्मच से जो है या स्पून से जो हम अच्छे से जो पीनट बटर है वो हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे ब्रेड के ऊपर। ये काफ़ी थिक होता है तो आराम से लगाएं ताकि हमारी जो ब्रेड है वो टूटे नहीं। और इसको हमें चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करना है। और जिसका टेस्ट होता है फ्रेंड्स बहुत अच्छा होता है। और इसमें जो हल्की हल्की मूंगफली के जो दाने आते हैं क्रंची से, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। और काफ़ी इस मात्रा में जो है इसमें प्रोटीन होता है तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो दोनों ब्रेड पर जो है हमने बटर को, पीनट बटर को लगा दिया है। और अब हमने क्या करना है, जो दूसरा ब्रेड स्लाइस है वो इस पर रखेंगे हम और हाथ से जो हल्के से दबा देंगे इसको, ताकि जो दूसरा ब्रेड भी है वो आपस में अच्छे से चिपक जाए। तो दूसरे ब्रेड को भी हमने ऐसे ही करना है। और दूसरी ब्रेड में मैं इसलिए इसको नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये जो है काफ़ी हल्का मीठा होता है, तो उतना मीठा मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको सिर्फ एक ही ब्रेड स्लाइस पे लगा रही हूँ और अच्छे से इसको हमने दबा देंगे। और ध्यान रखिएगा हल्के हाथ से दबाएँ ताकि जो बटर है, पीनट बटर हमारा बाहर ना निकले। तो बहुत अच्छे से करना है हमने, ये देखिए एकदम नीट एंड क्लीन काम करें। और उसके बाद जो अब हम इसको सेकेंगे। तो आप चाहें तो नॉनस्टिक तवा ले सकते हैं, और अगर लोहे का तवा ले रहे हैं तो उसको धीमी आंच पर पकाएं। और जब अच्छे से तवा हमारा गर्म हो जाता है तो हम इसको हल्का बटर लगाकर तवे को जो हमने ग्रीस कर लेना है। और उसके बाद हम यहाँ पर रख देंगे ब्रेड और धीमी आंच पर ही जो है हमने ब्रेड को सेकना है। और दूसरी साइड से भी जो है हम हल्का सा बटर लगा देते हैं ताकि ब्रेड जो है वो तवे पर चिपके नहीं और हल्की सी जो है क्रिस्पी हो जाए। तो मैं इसको नॉर्मल तवे पे बना रही हूँ और अच्छे से हल्के हाथों से जो हम इसको दबाएंगे। और ऐसे ही हमने इसको पलट कर जो है दूसरी साइड से भी सेकना है। दोनों साइड से सेक लेंगे इसको। और धीमी आंच पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगर हम इसको तेज़ आंच पे करेंगे तो हमारी जो ब्रेड है वो जल जाएगी, इसलिए हम इसे धीमी आंच पर पका रहे हैं। और तवे में जो है काफ़ी स्पेस था तो मैंने जो दूसरा ब्रेड था वो भी यहाँ पर रख दिया है और उसको भी हल्का ऊपर से मैं बटर लगा दे रही हूँ। तो दोनों ब्रेड जो है एक साथ हमारी सिक जाएगी अच्छे से। बस बीच में हम इसको वो देखते रहेंगे, जो नीचे का पार्ट है वो हमने जलाना नहीं है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो देखिए अब इसको हमने पलट दिया है। तो यहाँ पर भी हम हल्का सा इसमें बटर लगा देते हैं दूसरी साइड भी। और बिल्कुल हल्के हाथ से दबाते हुए जो है हमने अपने सैंडविच जो है वो तैयार करने हैं। आप चाहें तो इसको जो कच्ची ब्रेड है बिना सेके मतलब वैसे भी खा सकते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा सेक रही हूँ क्योंकि सेक कर जो है वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और उसके बाद जो है आप जो भी आपको शेप पसंद है उस शेप में आप इसको काट लीजिए। तो मैंने यहाँ पर जो है 1 ब्रेड के 2 पीसेस कर लिए हैं और बहुत ही बढ़िया ये सैंडविच लग रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है फ्रेंड्स, जब हमें छोटी सी भूख होती है ना, हल्की हल्की भूख होती है, और हमें समझ नहीं आता कि ना हम बहुत ज़्यादा हैवी खाना चाहते हैं और ना ज़्यादा बहुत लाइट खाना चाहते हैं, लेकिन और चाहते हैं कि कोई चीज़ जल्दी से जो है बन जाए, तो ये जो पीनट बटर सैंडविच है ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो इसको चाय कॉफ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। और सबसे इजी बात ये है कि इसे बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा है। बहुत कम टाइम में जो है मेरे पीनट बटर सैंडविच बन गए हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो पीनट बटर है वो नॉर्मली भी आप खाएं तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के लिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये बहुत पसंद आता है।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लेकिन ये जो है सैंडविच छोटी छोटी भूख के लिए बनाया है मैंने आज, और आप चाहें तो बच्चों को भी दीजिए, बड़ों को भी दीजिए और इन्जॉय कीजिए। और फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।